जयप्रकाश कुमार आप सभी का विश्वसनीय आईटीके के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे एसी टर्म्स एंड सर्किट, उसमें लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़े थे इंडक्टेंस। अब आगे जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस से संबंधित जो है ये कॉइल होता है, कोई भी कॉइल जो होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव। अब जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको डिनोट किससे करते हैं, मतलब अगर सूचित किससे करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सेल से। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिल गया एक्सेल, इसका मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे हम कॉइल, अभी बोले कि कॉइल अगर इसका डिफिनेशन देना रहे तो कॉइल के कारण जो बाधा पहुँचती है एसी सर्किट में, जो लाइन में जो प्रभावित हो रही है, उसमें कॉइल के कारण जो धारा के रास्ते में रुकावट डालती है, जैसे ये कॉइल है। अब ये सर्किट में अगर ये प्रभावित हो रहा है तो ये कॉइल क्या करता है, ये कॉइल कुछ ना कुछ धारा के रास्ते में रुकावट डालता है। तो ये जो कॉइल के कारण जो रुकावट डाल रहा है धारा के रास्ते में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका जो यूनिट होता है वो होता है मेरा क्या, ओम। इसका यूनिट क्या होता है, ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। जैसे कॉइल का यूनिट पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि कॉइल का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, और जब उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस में बदल देते हैं तब उसका यूनिट क्या हो जाता है, ओम। और ये एक्सेल जो होता है ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं बदलते, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला के आधार पर हम उसको बदलते हैं, 2πfL। अब जैसे क्या होता है, L का मान यहाँ दिया हुआ रहेगा 0.3, 0.2 या 1, 2, 3 जो भी रहे, तो ये जो रहेगा हेनरी में रहेगा। और उसका अगर यूनिट को भी चेंज करना रहे और ओम में लाना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फॉर्मूला होता है 2πfL। पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। एफ का मान जो है भारत का फ्रीक्वेंसी, जैसे 50 अगर दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या है, इसका मान हमको बैठा देना है 50। और एल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो होता है यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा, जितना हेनरी रहेगा उतना मान को बैठा देना, सॉल्व करके जो होगा वही उतना क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब एक्सेल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। और एल का मतलब होता है इंडक्टेंस। ये जो है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद भी रखना, आगे हम लोगों को क्या होगा, काम देगा। इससे क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स बनेगा, पूछा भी जाता है। अब आगे जो है, अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक्स आता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है किसी भी सर्किट में कैपेसिटर के कारण जो बाधा पहुंचता है करंट के रास्ते में, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग, इसको डिनोट किया जाता है एक्सी से। और इसका यूनिट जो होता है मेरा, इसका यूनिट जो होता है मेरा ओम। अब ये आगे इसका जो फॉर्मूला आता है, ये जो होता है 1/2πfC। 1, 2 का तो पता है, पाई का मान हमको 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। एफ का मान जो होता है, जैसे एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मान जैसे होता है मेरा 50 अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि 50 हम इसको लेकर चलेंगे। और सी का मान जो रहेगा वो दिया हुआ रहेगा, या नहीं तो फिर क्या होगा, एक्स ही निकालना रहेगा, तो सी का मान दिया हुआ रहता है। सी का मतलब होता है कैपेसिटर। यहाँ पर एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और सी का मतलब होता है कैपेसिटर। फ्रीक्वेंसी का यूनिट मेरा होता है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। कैपेसिटर का यूनिट होता है मेरा फैरड। पहले भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर का जो यूनिट होता है फैरड।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो है जो क्या होता है, किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर के कारण जो बाधा पहुंचती है उसी के को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्सी से। तो यह है मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखते हैं हम लोग इम्पीडेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जेड से। इम्पीडेंस इसको डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है जेड से, और इसका भी यूनिट होता है ओम। अब ये जो होता है, ये क्या क्या होता है, ये जो होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, अभी हम बोले कि रिएक्टेंस जो है दो प्रकार के होता है, एक तो हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरा हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण जो धारा के रास्ते में रुकावट डालता है उसी को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो होता है प्योर नहीं होता है, प्योर मतलब कहने का मतलब या तो प्योर रेजिस्टेंस या प्योर कॉयल या प्योर कैपेसिटर, इसमें जब भी होगा कम से कम दो चीज़ का मिश्रण होगा, या तो रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर मिलेगा या रेजिस्टेंस के साथ कॉयल मिलेगा या कॉयल और क्या बोलते हैं कैपेसिटर मिलेगा, मतलब दो तीन चीज़ का, कम से कम दो चीज़ का तो मिश्रण होना चाहिए। तो ये जो होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो होता है धारा के रास्ते में रुकावट डालता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पीडेंस, जिसको सूचित किया जाता है किससे, जेड से। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसमें यह है कि अगर रेजिस्टेंस ये हो गया, ये एक्सएल मतलब हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये प्लस माइनस, कभी प्लस होगा कभी प्लस कभी माइनस होगा, ये आगे हम बताएंगे कि कहाँ पर प्लस होगा और कहाँ पर माइनस होगा। तो इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस को इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं, अगर मान लेते हैं एक्सी नहीं है, तो एक्सी नहीं है तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला तब हम लोग ऐसे लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर एक्सएल नहीं है एक्सी है तो यहाँ पर एक्सी का होल स्क्वायर, इस प्रकार का भी फॉर्मूला कर सकते हैं। क्यों, अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें तो तीनों चीज़ है लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ दो चीज़, लेकिन क्या निकल रहा, इम्पीडेंस। तो इसका मतलब ये होता है कि इम्पीडेंस में कम से कम दो चीज़ का मिश्रण तो रहता ही है, तभी वह इम्पीडेंस कहलाएगा, नहीं तो नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग करंट, लीडिंग करंट, लीड का मतलब होता है बढ़ना। जैसे एसी का जो वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म बनता है इस प्रकार का बनता है। अब इस प्रकार का वेव फॉर्म बना, अभी क्या होता है कि जैसे ये वाला जो वेव फॉर्म बना, इसको हम मान लिए कि ये जो है, ये है मेरा करंट और ये है वोल्टेज। तब लीडिंग करंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, लीडिंग करंट मतलब क्या होता है, जब करंट वोल्टेज से आगे चलता है, जब करंट जो होता है वोल्टेज से आगे, वोल्टेज से पहले क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पर पहुँचे, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग करंट। मतलब उसमें क्या होता है, करंट जो होता है वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है। इसी में एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग लैगिंग, लैगिंग का मतलब होता है घटना, लैगिंग करंट, जस्ट इसका उल्टा डिफिनेशन होता है। अब इसी में जैसे एक वेव फॉर्म इस प्रकार का हम बना रहे हैं, तो इसमें जैसे वेव फॉर्म हम क्या दिखाए थे, जो ऊपर से आ रहा है उसको करंट दर्शा रहे हैं, अब ऊपर से जो आ रहा है उसको हम क्या दर्शा रहे हैं, वोल्टेज, और नीचे से जो ऊपर जा रहा है उसको हम दर्शा रहे हैं करंट। इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो पहले लीड, मतलब आगे है, क्या बोलते हैं, ऊपर में मतलब पॉजिटिव में भी और
नेगेटिव में भी क्या हो रहा है, ये पहले पहुंचा मैक्सिमम पर और यहाँ पर भी पहुंचा पहले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज जो कर रहा है क्या लीड कर रहा है, किससे लीड कर रहा है, करंट से। तो करंट क्या, तो करंट को अगर बोलना रहे तो करंट इसका मतलब वोल्टेज अगर लीड किया तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो दोनों ही डिफिनेशन में सेम है, थोड़ा सा अंतर है कि ये इसमें लीडिंग में क्या होता है कि करंट आगे चल रहा है मतलब आगे है, और लैगिंग में क्या हो रहा है कि वोल्टेज आगे है। तो इसी में हम लोग देखें क्या, लीडिंग करंट और लैगिंग करंट। लीडिंग में क्या होता है, करंट जो है पहले आए किससे, वोल्टेज से, और इसमें क्या है लैगिंग में क्या हो रहा है, करंट पीछे है वोल्टेज से, इसको बोलते हैं हम लोग लैगिंग और लीडिंग। इसी पर आधारित पर एक हम छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। आगे क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, कोई कॉयल है जिसका क्या है 0.2 H है, H का मतलब हेनरी, मतलब कोई कॉयल का यूनिट है ये, तो H का मतलब कॉयल का यूनिट ही होता है 0.2, और उसकी क्या बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब XL का हमको क्या करना है, मान निकालना है कि XL का मान कितना होता है। यहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज भी होता है और ये साइकिल पर सेकंड, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसको अगर निकालना रहे तो इसका लिए फॉर्मूला आता है XL इजिकल टू 2πfL, ये हो गया उसका फॉर्मूला। जैसे ये तो 2 है, पाई का मान जो हो गया वो मेरा क्या होता है 3.14 होता है, F का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना 50, और L का मान जो है, L का मान जैसे ये हो गया मेरा L का मान, तो L का मान क्या है 0.2। अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करके हम लोग देख लेते हैं कि कितना होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको जब पूरे को अगर मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 62.8, और इसका यूनिट हम पहले भी बताएं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मेरा क्या, ओम। तो ये हो गया मेरा क्या, एक इंडक्टिव सर्किट का एक फॉर्मूला, छोटा सा न्यूमेरिकल्स था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।